अंजलि और आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। एनएमटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टी20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाने वाली टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अपना आखिरी लीग मैच नामीबिया के खिलाफ दुबई में खेलने जा रही है। इस मैच में भारतीय टीम एक बड़ी जीत के साथ इस टूर्नामेंट का समापन करना चाहेगी, तो वहीं बतौर कप्तान यह विराट कोहली का आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला होगा। टीम इंडिया इस मैच में जीत के दावेदार के तौर पर उतरेगी, लेकिन भारतीय टीम को अगर इस मैच में जीत मिल भी जाती है तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, बतौर कप्तान टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली को अच्छी विदाई जरूर मिलेगी। रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, राहुल चाहर, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, स्टीफन वार्ड, माइकल वेन, लिंगेल, क्रेन विलियम्स, गोरहार्ड इरासमन, डिवेज विज, जे जे स्मिथ, जेन निकोल, लोटी एटन, रुबेन ट्रेम्पलमैन, जेन ग्रीन, जेन फ्रीलिंक और बेरनार्ड स्काल्टज नामीबिया के खिलाफ टीम इंडिया को जीत हासिल करने के लिए शायद ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रिकेट सीरीज से पहले ये भारत के लिए एक प्रैक्टिस मैच की तरह से ही होगा, क्योंकि इसके ठीक बाद भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में हिस्सा लेना है। टीम इंडिया अपनी पूरी ताकत के साथ इस मैच में मैदान पर उतरेगी ताकि एक शानदार जीत उसे मिले, तो वहीं नामीबिया की टीम भी भारत के खिलाफ इस मैच में जीत दर्ज करके अपने सफर का समापन शानदार तरीके से करना चाहेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही मुख्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एनएमटी न्यूज। तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।